जय माता दी। ये देखिए चलो दोस्तों, हम आ गए हैं रुआ बांधा दशहरा मैदान। ये देखिए सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता। फिर भी यहाँ बहुत बड़ा पंडाल बनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ छोटा सा पंडाल बना है। और देखिए माता रानी फिर भी विराजमान है। तो देखिए हम देखते हैं, अब इसके बाद हम जाने वाले हैं रुआ बांधा सनिचरी बाज़ार, जस्ट आगे ही है, तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं रुआ बांधा सनिचरी बाज़ार। यहाँ का लाइटिंग ज़बरदस्त है और यहाँ आरती हो रहा है, तो हम आपको पास जाके माता रानी का दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सभी जगह के दर्शन मैं आपको यहाँ घर बैठे कराने वाला हूँ। ये देखिए हम जूम करके देख रहे हैं, तो अभी आरती हो रही है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब्जी मंडी। ये आ गए हम सब्जी मंडी, जो कि रुआ बांधा में ही है। ये देखिए माता रानी, अब ये देखिए जूम करके हम दिखाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरा। ये देखिए क्लियर से अब दिख रहा है दोस्तों। और इसके बाद हम जाएंगे रिसाली, जो कि अब वहाँ यहाँ से करीब थोड़ी दूर पे है, तो हम चलो चलते हैं रिसाली। तो ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं रिसाली में, एक अंदर में रखा गया है जहाँ मूर्ति नहीं फ़ोटो की पूजा की जा रही है। तो जय माता दी। अब यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 5 की ओर, देवेंद्र यादव जी के घर के साइड, विधायक हैं जो महापौर हैं। अभी आ गए हैं हम सेक्टर 5। यहाँ का लाइटिंग ज़बरदस्त, रंग बिरंगे लाइट लगे हुए हैं, और साथ ही यहाँ का पंडाल बहुत ही यूनिक है। तो चलो हम चलते हैं अंदर। ये देखिए गेट भी शानदार है। अब ये देखिए हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। ये देखिए यहाँ मैदान बहुत बड़ा है, यहाँ से हम पास जाके आपको दिखाएंगे पूरा एक एक वीडियो, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लाइटिंग हम दिखा देते हैं आपको पूरा बैकग्राउंड चारों ओर का, और यहाँ से अब अंदर की ओर जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पूरा देखना है माता रानी का पंडाल भिलाई का, तो वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप नहीं करना, तभी आप ध्यान से देख पाओगे माता रानी की, जो कि साल में एक बार आती है। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए सजावट यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ है, हम आपको जूम करके भी दिखाने वाले हैं, जो कि झूमर लगा हुआ है यहाँ, तो हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए जय माता दी लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम अंदर के पास जाके दिखाते हैं, जो कि थोड़ा ब्लर दिख रहे हैं, थोड़ा क्लीन करके हम और जूम करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए ये आरती हो रहा था, वहीं से हमने फ़ोटो लिया, जो कि वीडियो लिया है, कितना क्लीन दिख रहा है यहाँ से, देखिए माता रानी। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं विजय ऑडिटोरियम सेक्टर 5। अब ये देखिए विजय ऑडिटोरियम यहाँ का देखने लायक है, यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं होगा। तो हम यहाँ से जो कि विजय, अब ये देखिए यहाँ से हम अंदर की ओर जाने वाले हैं ऑडिटोरियम। ये देखिए दूर से ही लाइट, कितना मस्त लाइट लगा हुआ है, और ये देखिए रंग बिरंगे लाइट हैं, साइड में देखिए बड़े बड़े पोस्टर हैं, ये देखिए मस्त है। अब यहाँ से जो कि देखिए यहाँ कितना बड़ा वो बना है, जहाज, पानी जहाज, तो हम पास जाके आपको जूम करके भी दिखाएंगे, कितना मस्त लग रहा है, जो कि रियल में समुद्र में चल रहा है वैसे दिख रहा था। अगर आप आए भिलाई तो यहाँ ज़रूर जाइएगा सतविजय ऑडिटोरियम करके। तो इसके बाद हम एक पास में और रखाया गया है सेक्टर 5, जस्ट विजय ऑडिटोरियम की थोड़ी दूर में, तो वहाँ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए कितना मस्त डिज़ाइन किया गया है, माता रानी एकदम बीच में विराजमान है। अब ये आ गए हैं हम विजय ऑडिटोरियम के पास, सेक्टर 5 के पास ही। तो ये देखिए माता रानी, यहाँ से हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है माता। अब चलो हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अंदर, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, झूमर लगा हुआ है, रंग बिरंगे फूल हैं। अब ये देखिए हम पास जाके और दिखाते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही माता। अब यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 4। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेक्टर 4। यहाँ देखिए राधा रानी कृष्ण भगवान का यहाँ पोस्टर लगाया गया है। अब ये देखिए अंदर आ गए, हम थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पूरा अच्छे से देखिए पंडाल। अब ये देखिए हम जूम करके दिखाते हैं, और थोड़ा पास से और दिखाने का कोशिश करते हैं आपको, कि आपको क्लीन दिखे घर बैठे ही। ये देखिए अब यहाँ से अब क्लीन दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम सेक्टर 2 जाते हैं। ये देखिए हम सेक्टर 2 आ चुके हैं। यहाँ इस बार उतना अच्छा से नहीं किया गया है, फिर भी पंडाल अंदर से बहुत ही बड़ा, यहाँ अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा था। और अगर आप आएँ भिलाई तो मास्क लगा कर जरूर आइएगा, और सैनिटाइज़र अपने साथ रखिएगा।
और यहाँ देखिए हम जूम करके उतना क्लीन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं सेक्टर वन की ओर। सेक्टर वन चलते हैं यहाँ से। अब आ गए हम सेक्टर वन। यहाँ का लाइट मस्त लगा हुआ देखिए, रंग बिरंगे गेट में जो कि। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा था, तो हम आपको जूम करके दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करना। ये देखिए थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही दूर था यहाँ से, तो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे लाल मैदान, जो कि पिछले बार वहाँ मटकी का सीन बना हुआ था। अब ये देखिए हमारा लाल मैदान पावर हाउस आ चुके हैं। यहाँ पास जाके दिखाएंगे आपको, यहाँ आरती हो रहा था तो थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाने वाले हैं। यह लाल मैदान बहुत बड़ा है, पावर हाउस ओवर ब्रिज के पास ही है। अगर आप आएँ तो ऊपर से ही यहाँ नीचे दिखता है। अब देखिए थोड़ा जूम करके देखिए, माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। अब यहाँ से हम सेक्टर 10 जाएंगे, जो कि लास्ट वहाँ दो और मूर्तियाँ विराजमान है माता रानी। तो ये देखिए हम आ गए हैं सेक्टर 10। यहाँ भी आरती हो रहा था, ये देखिए आरती हो रहा है। ये देखिए थोड़ा हम जूम करके दिखाने वाले हैं तो क्लियर नहीं दिखेगा दोस्तों। ये देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, आरती हो रहा था, दूर था, बहुत डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं, इधर से सामने है सेक्टर 10 का। और तो ये देखिए यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल, लेकिन इस बार कोरोना के कारण यहाँ थोड़ा बहुत भी भीड़ नहीं था। ये देखिए अब थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और दुर्ग का भी देखना चाहते हैं, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, और चंडी मंदिर का भी आप देख सकते हैं। तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।